गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम पढ़ रहे थे इरिगेशन, तो इरिगेशन में हम फर्स्ट लेक्चर में पढ़ चुके थे टाइप ऑफ इरिगेशन क्या होता है और कितने प्रकार की उसकी डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी, उन सब चीजों को हम देख चुके थे। जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा वो है इरिगेशन वाटर क्वालिटी। तो पहले हम देखते हैं कि इस टॉपिक का सिग्निफिकेंस क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। जैसे कि जो हम पानी ड्रिंकिंग वाटर के रूप में यूज करते हैं, हमारा जो पोर्टेबल वाटर होता है, उसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ क्वालिटी के जो पैरामीटर्स उनको हम देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही उस पानी के हम पैरामीटर्स को जज करते हैं। IS 10500 से हम देखते हैं कि हमारे पानी में नाइट्रेट की मात्रा इतनी से अधिक नहीं होनी चाहिए, फ्लोराइड की मात्रा इतने से अधिक नहीं होनी चाहिए, तो वो सारी चीज हम देखते हैं वहां पर। तो वो क्यों देखते हैं हम, क्योंकि वो जो चीजें हैं, वो जो सब्सटेंसेज हैं, वो जो तत्व हैं, वो हमारी बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल है। उसी प्रकार जिस पानी से हम सिंचाई कर रहे हैं पौधों के लिए, तो उस पानी में भी अगर कुछ इस प्रकार के तत्व मौजूद हैं जो पौधों के लिए क्या है, हार्मफुल है, तो उन तत्वों को हमें देखना पड़ेगा, उनकी क्वालिटी को, उनकी क्वांटिटी को भी हमें क्या है, लिमिट देनी पड़ेगी कि भाई इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हम कुछ तत्व देखते हैं। तो ये बात क्लियर होगी कि हम क्यों पढ़ रहे हैं इस टॉपिक को, इरिगेशन वाटर क्वालिटी, कि जिस पानी से आप इरिगेशन कर रहे हो वो इस स्टैंडर्ड के अंदर आना चाहिए। ये नहीं कि आप किसी भी पानी से इरिगेशन कर दिया, आरओ वाटर था हमारा, आपने आरओ वाटर से जो वेस्टेज पानी निकलता है उससे आपने इरिगेशन कर दिया, ठीक है, और जो हमारा एसी के जो कंप्रेसर है वहां से जो पानी उससे इरिगेशन कर दिया, ऐसे नहीं होते पानी से, उसकी एक पर्टिकुलर पैरामीटर होता है, उस पानी का ही यूज कर सकते हैं हम इरिगेशन के लिए। ठीक है, तो इरिगेशन वाटर क्वालिटी में 3-4 चीज देखेंगे, क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले इसके अंदर आता है हमारा क्या, टोटल सॉल्ट्स इन वॉटर। मैं आपको बता दूं, कुछ सॉल्ट्स होते हैं, सॉल्ट्स का मतलब ये नहीं है NaCl, नहीं, कई सारे आयन होते हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये है मान लीजिए। तो ये जो आयन है बहुत हार्मफुल होते हैं हमारे पौधों की ग्रोथ के लिए, बहुत हार्मफुल होते हैं। इन दोनों के द्वारा तो बहुत ज्यादा बेसिस कंडीशन, क्षारीय कंडीशन उत्पन्न हो जाती है हमारी सॉइल में, तो पौधों के लिए बहुत हार्मफुल होते हैं ये वाले आयन। ये आयन अगर हमारे पानी में मौजूद है और उस पानी का यूज हम कर रहे हैं इरीगेशन के, तो बहुत हार्मफुल है वो। ये सारे हमारे टोटल सॉल्ट है जो उसमें मौजूद होते हैं, इसके द्वारा काफी सारी चीजें होती हैं जो कुछ इसकी मात्रा को हम निकालते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कौन कौन से सॉल्ट्स होते हैं जो हमारे इरिगेशन वाटर में मौजूद होते हैं और हमारी फसल के लिए क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं, हमारे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इन चारों में भी जो हमारा जो सोडियम है वो सबसे ज्यादा हार्मफुल होता है, उसको हम एक सेपरेट सेक्शन में पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक हमारा वही रहेगा, क्योंकि इन चारों में सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है सोडियम का पड़ता है। इन तीनों क्वांटिटी कम है, इसकी क्वांटिटी कम है, इन तीनों क्वांटिटी और इसका रेशो लगभग बराबर है मान लीजिए, ठीक है, तब भी ये ज्यादा हार्मफुल होगा। और उस हैजार्डनेस को अपन किसके द्वारा दर्शाते हैं, सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशो, SAR के द्वारा, वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। और इसके द्वारा कौन सा दुष्प्रभाव पड़ता है उसको हम बोलते हैं सॉल्ट हैजार्ड मतलब दुष्प्रभाव, ठीक है। तो सॉल्ट हैजार्ड कौन कौन से सॉल्ट के द्वारा उत्पन्न होता है, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम। इसकी क्वांटिटी को हम एक फॉर्मूले के द्वारा निकालते हैं, उस फॉर्मूले को मैं लिखता हूं, कौन सा फॉर्मूला होता है वो देखिए, देखिए इस फॉर्मूले के द्वारा हम निकालते हैं कि हमारे जो सॉल्ट्स हैं सॉइल के अंदर कितने मौजूद हैं। देखो दोनों चीजों का अलग अलग मीन है, CS = C.Q
अपॉन क्यू माइनस सी यू माइनस आर ई। एसएससी में एक बार केवल डायरेक्टली फॉर्मूला पूछा था, इससे ज्यादा नहीं पूछ सकता आपको, इस पर कोई न्यूमेरिकल नहीं बनेगा, फॉर्मूला पूछ सकता है और उसमें जो क्वांटिटी है इनको इधर उधर कर देगा बस। तो ये सी डॉट क्यू अपॉन क्यू माइनस सी यू माइनस आर ई, यहाँ पर इनके नोटेशन देखिए, सी एस का मतलब क्या है और सी का मतलब क्या है, यह कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट्स इन सॉइल और यह कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट्स इन वॉटर। क्या इसका मतलब, सी का मतलब है जो पानी आ रहा है जिससे हम सिंचाई कर रहे हैं उस पानी के अंदर कितना सॉल्ट मौजूद है। जैसे सोडियम की बात करें उस पानी के अंदर मौजूद है 20 मिलीग्राम पर लीटर या 20 ppm, ठीक है, तो वो तो पानी के अंदर मात्रा होगी सॉल्ट की, लेकिन हो सकता है वही सॉल्ट थोड़ा बहुत सॉइल में पहले से मौजूद है, ठीक है, तो पहले से मौजूद था सॉइल के अंदर 1 मिलीग्राम पर लीटर और वहां से आ रहा है 20, तो अब टोटल सॉइल के अंदर सॉल्ट कितना हो चुका है 21 मिलीग्राम पर लीटर। तो ये सीएस का मतलब है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट्स इन सॉइल और यह है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट्स इन वॉटर। उसके बाद में क्यू क्या है, क्यू है हमारा डिस्चार्ज, जिस रेट से पानी आ रहा है, रेट ऑफ फ्लो को ही हम डिस्चार्ज बोलते हैं, ये हमारा क्यू। क्यू के बाद आती है बात सीयू की, कंजम्पटिव यूज ऑफ वॉटर। सीयू क्या होता है हमारा, ये है, ये एक नया सेपरेट सेक्शन में आपको बताऊंगा कंजम्पटिव यूज ऑफ वॉटर। अभी फिलहाल आप इतना समझिए कि किसी भी टाइम पीरियड में किसी पौधे के द्वारा कितना पानी यूज किया जा रहा है, उस पानी की मात्रा को हम क्या बोलते हैं, कंजम्पटिव यूज ऑफ वॉटर, मतलब कितने पानी की मात्रा यूज की जा रही है। उसके बाद आता है आर ई, आर ई का मतलब क्या है, इफेक्टिव रेनफॉल, मतलब मान लीजिए किसी भी इलाके में बारिश हुई आज की डेट में 20 mm और उस 20 mm में से जो नीचे पानी टोटल 20 mm पहुंचा, 20 में से कुछ 10 mm पानी तो बह करके निकल गया और 5 mm पानी जो था वो इवेपोरेट हो गया एटमॉस्फेयर में, बाकी जो फसल को जो मिला पानी वो मिला मात्र कितना 5 mm। तो ये 5 mm, तो 20 mm तो रेनफॉल हुई थी टोटल 20 mm, इसमें से फसल के लिए उपयोगी पानी कौन सा था, केवल फसल के लिए, तो फसल तो यही कहेगी ना मुझे तो 5 mm मिला है केवल, मेरे लिए तो इफेक्टिव इफेक्टिव रेनफॉल कौन सी मेरी 5 mm। तो इफेक्टिव रेनफॉल का मतलब क्या है, वो पानी जो रेनफॉल में से अपनी फसल को मिला है उसे बोलते हैं हम इफेक्टिव रेनफॉल। तो ये हमारा फॉर्मूला है जनरली, तो इसमें आप सी एस और सी में कंफ्यूज नहीं होंगे, वो दोनों का मतलब कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट है लेकिन वो वॉटर के अंदर है और ये किसमें है, सॉइल में है, ठीक है। तो ये हमारे टोटल सॉल्ट्स थे और टोटल सॉल्ट्स के कारण कौन सा हैजार्ड होता है, सॉल्ट हैजार्ड होता है, ठीक, फसल के लिए। नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक वो क्या है, सेकंड जो हमारा इरिगेशन वाटर क्वालिटी में आता है पॉइंट, वो आता है हमारा कौन सा, सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो SAR। सोडियम जो होता है अगर वो पानी में मौजूद है इरिगेशन वाटर में और उस पानी के द्वारा आपने क्या कर दिया, फसल को सिंचित कर दिया, तो क्या होगा कि जो हमारी सॉइल है उसमें क्लॉट्स बन जाएंगे, मोटे मोटे ढेले बन जाएंगे, ठीक है, और उसको संरचना स्टिकी हो जाएगी, थोड़ी सी चिकनी टाइप की हो जाएगी, आपने देखा होगा दरार सी पड़ जाती है, सफेद सफेद सा बन जाता है, वो सोडियम के कारण हो रहा है बेसिकली। सोडियम पोटेशियम दोनों होते हैं लेकिन सोडियम का प्रभाव ज्यादा होता है, तो सोडियम ज्यादा खतरनाक होता है इन कंपेरिजन टू ऑल सॉल्ट्स, ठीक है, तो इसलिए अपन क्या करते हैं सोडियम को एक अलग हैजार्ड के द्वारा दर्शाते हैं। तो सोडियम हैजार्ड को, सोडियम के दुष्प्रभाव को किसके द्वारा दर्शाया जाता है, सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो, और इसको अपन कैसे निकालते हैं SAR को, SAR को इस प्रकार निकाला जाता है, SAR बराबर Na प्लस अपॉन रूट Ca प्लस 2 प्लस Mg प्लस 2 बाय 2, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, किस चीज के लिए इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल के लिए भी, छोटा सा न्यूमेरिकल पूछ सकते हैं आपसे इससे। और दूसरा क्या है, आपसे क्या पूछेगा कि सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो क्या होता है, सी अपॉन रूट उल्टा सीधा कर देगा सी अपॉन में एनए प्लस एमजी या एनए प्लस अपॉन में सी ए प्लस 2 प्लस एमजी प्लस 2 बाय 2 रूट नहीं लगाया, ऐसे आपको चार ऑप्शन मिलेंगे, बहुत बार पूछा जा चुका है, कई सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। तो ऐसे यार क्या होता है, सोडियम और किस किसका रेशियो है, सोडियम का रेशियो है और कैल्शियम और मैग्नीशियम का, सोडियम का कैल्शियम मैग्नीशियम से रेशियो है ये, सोडियम का पोटेशियम से, इसका यहां पर कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, इस पर मैं आपको न्यूमेरिकल भी कराऊंगा। तो ऐसे यार का मतलब क्या है, क्लियर है आपको, सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो, इस पर न्यूमेरिकल कैसे बनेंगे वो अभी देखते हैं अपन, पहले एक दो पॉइंट और उनको भी क्लियर करते हैं। तीसरा जो हमारा पॉइंट आता है इरिगेशन वाटर क्वालिटी में वो आता है सेडिमेंट्स, तीसरा पॉइंट आता है हमारा सेडिमेंट्स। तो सेडिमेंट्स कौन कौन से होते हैं,
सेडिमेंट्स में, सेडिमेंट्स का मतलब क्या है, ये हमारा पानी आ रहा है इरिगेशन वाटर, और यहां पर हमारा फील्ड है, ये पानी जो आ रहा है इस पानी के अंदर कुछ ना कुछ छोटे छोटे से कण होंगे, पार्टिकल्स, पार्टिकल्स को हम सेडिमेंट्स बोलेंगे। अब ये कहां से आ रहा है पानी हमें नहीं मालूम, और ये जो पार्टिकल्स है वो कैसे है ये भी नहीं मालूम है, हो सकता है पार्टिकल बहुत महीन हो, फाइन हो सकता है वो कोर्स हो, और हमें ये भी नहीं मालूम जो फील्ड है फील्ड में कौन से पार्टिकल्स है, फील्ड में फाइन है, फाइन सॉइल है या फिर कोर्स सॉइल है, हमें नहीं मालूम। अब क्या प्रभाव पड़ता है इन सेडिमेंट का, मान लीजिए इस फील्ड के अंदर जो सॉइल है वो है कोर्स सॉइल, और जो पानी आ रहा है उसमें जो सेडिमेंट्स है वो है हमारे फाइन, तो कोर्स की परमेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, और फाइन की क्या होती है, कम। तो जो जब ये पानी इसमें मिलेगा तो ये जो हमारे फाइन पार्टिकल्स हैं ये कोर्स में मिलेंगे, तो इसकी परमेबिलिटी क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, कम हो जाएगी, बढ़ जाएगी, कम हो जाएगी, पहले क्या थी इसकी ज्यादा थी और उसमें फाइन मिल चुका तो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर अपोजिट होता है कि इसमें पहले फाइन सॉइल थी फील्ड में और इसमें जो पार्टिकल आ रहे हैं वो कैसे कोर्स है, तो क्या हो जाएगी, परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो ये इसके सेडिमेंट्स के कुछ प्रभाव होते हैं। तो सेडिमेंट का डायरेक्टली किस पर प्रभाव पड़ता है, जो हमारा फील्ड है या फिर सॉइल है उसकी परमेबिलिटी पर प्रभाव पड़ता है। कैसे प्रभाव पड़ता है, बढ़ा भी सकता है घटा भी सकता है, कब बढ़ाएगा कब घटाएगा ये आप देख लिया कि अगर इसमें कोर्स है इसमें फाइन है तो घटा देगा, इसमें फाइन है इसमें कोर्स है तो बढ़ा देगा, बात क्लियर है। और जो नेक्स्ट हमारा जो चौथा पॉइंट है इरिगेशन वाटर क्वालिटी का, वो हमारा टॉक्सिक एलिमेंट्स, टॉक्सिक एलिमेंट्स, टॉक्सिक एलिमेंट्स का मतलब क्या है, चौथा पॉइंट है टॉक्सिक एलिमेंट। कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो हमारी फसल के लिए बहुत ज्यादा विषैले होते हैं, कि फसल एक चीज तो क्या होती है हार्मफुल है, एक हमारी टॉक्सिक जहर। जैसे पानी के अंदर अगर ह्यूमन बींग की बात करें, पोर्टेबल वाटर की बात करते हैं, तो पानी के अंदर अगर टीडीएस ज्यादा है, फ्लोराइड ज्यादा है, तो ठीक है वो हमारी बॉडी पर इंपैक्ट डालेगा, नेगेटिव इंपैक्ट डालेगा, और धीरे धीरे हमारी बॉडी जो है डिट्रायोरेट होती जाएगी, घटती जाएगी, इसका हास होता जा रहा है धीरे 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 करके, और ये क्या है टाइम टेकिंग प्रोसेस है, बहुत दिनों बाद इसका इफेक्ट देखेगा, हमारी जो बोन्स हैं वो बकल हो चुकी हैं, ठीक है ये सब चीज होंगी हमारे साथ। लेकिन अगर उस पानी के अंदर आर्सेनिक है, ठीक है, सेलेनियम है, तो क्या होगा, तुरंत इंसान मर जाएगा। तो जहर में और टॉक्सिक एलिमेंट में और इन चीजों में दोनों में डिफरेंस होता है कि हार्मफुल एलिमेंट टॉक्सिक एलिमेंट। तो हार्मफुल एलिमेंट कौन से हमारे बॉडी के लिए, टीडीएस, नाइट्रेट, सल्फेट, ये सारे फ्लोराइड, क्लोराइड, ये सारे हमारे हार्मफुल हैं। और टॉक्सिक कौन से हैं, आर्सेनिक हुआ, मरकरी हुआ, ये सारे कौन से टॉक्सिक जहरीले, जिससे क्या है टाइम टेकिंग है तुरंत ही इंसान की बॉडी पर प्रभाव पड़ेगा। ऐसे टॉक्सिक एलिमेंट हमारे पौधों के लिए कौन से होते हैं, कि वो पानी के अंदर मौजूद है, अगर तो पौधों पर अगर आपने वो पानी डाल दिया तो जो पौधा हमारा वो मर जाएगा। उनमें से कुछ है हमारे बोरोन, सेलेनियम, ये पौधों के लिए है बोरोन सेलेनियम आर्सेनिक, ये सात सारे हमारे हैं कुछ एलिमेंट्स। इन सभी के अंदर बोरोन की बात करते हैं, बोरोन 4 ppm से अधिक किसी भी फसल के लिए, किसी फसल के लिए नहीं होना चाहिए पानी, ठीक है। वैसे सभी फसल के लिए अलग अलग रेंज होती है, उस पर कोई क्वेश्चन नहीं बनना कि इसके लिए कितना, क्योंकि बहुत सारी फसलें हैं सबके लिए आप अलग अलग से याद नहीं रख सकते। आपको इतना ध्यान रखना है कि 0.3 ppm सबके लिए हानिकारक होता है, अगर इसकी मात्रा 0.3 ppm है तो सबके लिए हानिकारक है, लेकिन फिर भी इसकी मात्रा अगर 0.3 ज्यादा होती जा रही है तो 4 ppm से अधिक तो किसी कीमत पर नहीं होनी चाहिए। देखो डिफरेंट डिफरेंट फसल होती है, सबकी कैपेसिटी अलग अलग होती है, कुछ फसलें ऐसी होती है जो बोरोन को झेल जाती है, जैसे हमारे शुगर केन वो 4 तक भी झेल जाएगी, 5 तक भी झेल जाएगी, और दूसरी फसलें हमारे गेहूं वगैरह वो नहीं झेल पाती है, ठीक है। तो सबकी अलग अलग रेंज होती है, वो रेंज हमें ध्यान नहीं रखनी है, आपको इतना ध्यान रखना है सामान्यतः बोरोन की वैल्यू किससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए किसी फसल के, 4 ppm से अधिक नहीं होने चाहिए किसी भी कंडीशन में। और कितने पर प्रभाव स्टार्ट हो जाता है, 0.3 ppm से प्रभाव स्टार्ट हो जाता है। तो ये थे हमारे कुछ टॉक्सिक एलिमेंट्स जिनके बारे में हमने बात करी। तो फिलहाल पहले अपन एक क्वेश्चन कर लेते हैं, सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो के आधार, सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो आपसे सिंपली पूछेगा, सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो क्वेश्चन कैलकुलेट सोडियम सोडियम
सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो ऑफ ए वाटर हैविंग कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम कॉमा कैल्शियम एंड मैग्नीशियम एज 20 ppm कॉमा 20 ppm एंड 12 ppm रेस्पेक्टिवली। क्या कह रहा है ये कह रहा है कैलकुलेट सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो ऑफ ए वाटर हैविंग कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम एज 20 ppm 20 ppm एंड 12 ppm। इरिगेशन वाटर आ रहा है उसमें सोडियम जो है उसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है 20 ppm, कैल्शियम की कितनी है 20, मैग्नीशियम कितनी है 12, और उसका मैं SAR निकाला। तो इसको निकालने के लिए आपको फॉर्मूला तो पता होना चाहिए। SAR क्या होता था, Na अपॉन में रूट Ca प्लस 2 प्लस Mg प्लस 2 बाय 2। Na प्लस कितना है 20 डिवाइडेड बाय रूट 20 प्लस 12 बटे 2, 20 और 12 32 बटे 2 रूट 16 मतलब 4 5। देखिए आप कितना आई अपना 5। तो SAR की वैल्यू कितनी है 5। इसका यूज क्या है SAR का, अभी पता चलेगा आपको इसका यूज क्या है। एक्चुअल में क्या होता है, जैसे कोई ड्रिंकिंग वाटर है तो किसी ड्रिंकिंग वाटर में फ्लोराइड की मात्रा है 0.5 ppm, आपको लिमिट पता होगी 1 से 1.5 के बीच में होती है फ्लोराइड की लिमिट। किसी में 0.5, किसी में है ही नहीं 0 है, किसी में क्या है 0.5 है, किसी में है 1, किसी में 1.5 और फिर है 2, 2.5, 3। तो अगर मैं आपसे कहूं ये फ्लोराइड की मात्रा है, अगर मैं आपसे कहूं कि इनमें सबसे बेकार पानी कौन सा है हमारे लिए, सबसे हार्मफुल कौन सा है, तो कौन सा है ये वाला पानी, ठीक है। तो मैं इसका नाम दे सकता हूं, मैंने इसका नाम दे दिया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, मैंने इसका नाम दे दिया फॉर एग्जाम्पल F7, इसका नाम दे दिया F6, F5, F4, F3, F2, F1। ये केवल मैंने वैसे नाम दिए, मैंने खुद ने दिए नाम सारे। तो अगर मैं पूछूं सबसे हार्मफुल वाटर कौन सा, तो आप क्या कहोगे शॉर्ट में F7, मतलब जो 7th नंबर पे है जिसमें फ्लोराइड 7th नंबर पे, वो कौन सा है हमारा सबसे हार्मफुल। उसके बाद कौन सा है F6, उसके बाद कौन सा है F5। तो हम क्या बता पा रहे हैं कि पानी कौन सा ज्यादा खराब है, चारों ये सात सारे पानी है लेकिन सबसे खराब पानी कौन सा जिसमें फ्लोराइड की मात्रा सबसे ज्यादा है। तो ऐसे ही SAR के आधार पर जो हमारा इरिगेशन वाटर है उसकी क्वालिटी को हम बताते हैं कौन सा पानी सबसे बेकार है। हम कैटेगरी डिवाइड करते हैं कि ये तो लो सोडियम वाटर है, मतलब उसमें सोडियम की मात्रा क्या है कम है। जैसे मैं इसको बोलूं तो क्या है, लो फ्लोराइड वाटर, मीडियम हाई, वेरी हाई, एक्सट्रीमली हाई, ऐसे मैं नाम दे दूं। तो ऐसे इरिगेशन वाटर को अगर मुझे क्लासिफाई करना है कि कौन सा पानी बेकार है और कौन सा बहुत बेकार है, तो किसके आधार पर करेंगे हम, SAR के आधार पर। ये नेक्स्ट टॉपिक हमारा, उसको मैं आपको नोट में बताता हूं। तो नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा वो नोट है, नोट में क्या लिखेंगे हम, क्लासिफिकेशन ऑफ इरिगेशन वाटर, क्लासिफिकेशन ऑफ इरिगेशन वाटर। तो नोट है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ इरिगेशन वाटर। तो हमने यहां पर दो मेन पॉइंट देखे थे और उन दोनों पॉइंट के आधार पर हम वाटर का क्लासिफिकेशन करेंगे।
तो हमारे इरिगेशन वाटर को क्लासिफाई करना है कि वो जो पानी है हमारा इरिगेशन का वो कैसा है। उसमें दो चीज देखेंगे हम, एक तो सॉल्ट्स देखेंगे। सॉल्ट्स कौन से होंगे? सारे होंगे, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम, चारों सॉल्ट्स होंगे हमारे। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट्स के बारे में बात करें तो लो सैलिनिटी वाटर हमारा पहला, हमारा लो सैलिनिटी वाटर इसको C1 से डिनोट करते हैं। मीडियम सैलिनिटी वाटर C2, हाई C3, वेरी हाई सैलिनिटी वाटर C4, ठीक है। तो सैलिनिटी के आधार पर ही सारे सारे हमारे, जिसमें कम, अब देखो सैलिनिटी को हम कैसे जज करें कि पानी में कितने हमारे सॉल्ट्स मौजूद हैं। आपने देखा Na+, Ca+, जहां पर भी हमारे पास वेलेंट आयन्स है तो वहां पर इलेक्ट्रॉन होगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन है तो वहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। तो मेरे पास ये एक डाई आयोनिक टेस्टर है, मतलब इससे क्या है, आयन्स को देखेंगे कितनी इनकी प्रेजेंस है। तो मैंने डाई आयन टेस्टर को पानी में डाला और मैं इसको घुमा रहा हूं इस तरह से, तो जितने ज्यादा इसमें सॉल्ट होंगे उतने ज्यादा इस पर टच करेंगे उतनी ही ज्यादा इलेक्ट्रिविटी कंडक्ट होगी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिविटी कंडक्ट, जितनी भी कंडक्ट होगी, जितनी ज्यादा होती जा रही है, मतलब उसमें कॉन्सेंट्रेशन क्या है सॉल्ट्स की, बहुत ज्यादा है। तो हमें इससे क्या पता चल रहा है, इससे हमें पता चल रहा है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कितनी है उसकी, और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी से हमें क्या पता चल रहा है कि उसमें सॉल्ट्स की मात्रा कितनी ज्यादा है। बात क्लियर है? तो हम इनडायरेक्टली देख रहे हैं, हम तो क्या बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, लेकिन हमें पता क्या चल रहा है, सॉल्ट्स की मात्रा, कि भाई अगर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कम है तो सॉल्ट्स कम है, ज्यादा है तो बहुत ज्यादा है। तो देखो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को किससे डिनोट करते हैं, इसकी यूनिट होती है माइक्रो मो, मो मतलब MHO, ओम का उल्टा है, माइक्रो मो पर सेंटीमीटर एट द रेट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम इस टेस्ट को करते हैं। इसलिए तो लो सैलिनिटी वाटर कौन सा होगा, जिसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या है, कम है तो उसमें सॉल्ट्स की मात्रा भी कम होगी, कितनी, 100 से 250। अगर क्या है 250 से 750 के बीच है तो कौन सा कहलाएगा हमारा, मीडियम सैलिनिटी वाटर। अगर 750 से 2250 के बीच में है तो कहलाएगा हमारा हाई सैलिनिटी वाटर, और अगर ये 250 से 2250 है तो कौन सा कहलाएगा हमारा, वेरी हाई सैलिनिटी वाटर C4। बात क्लियर है? तो ये हमारे किसके आधार पर है, ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट के आधार पर चार प्रकार का होता है पानी हमारा, C1, C2, C3, C4। अब बात आती है क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ए वॉटर हैव इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एज 1000 μmH पर सेंटीमीटर, देन दैट वॉटर विल बी क्लासिफाई एज C1, C2, C3, C4। अगर 1000 है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी तो किस रेंज में आ रहा है, इस रेंज में, तो कौन सा पानी होगा, वो C3 वाटर होगा हमारा। क्लियर है बात? इस तरह से देखो सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो के आधार पर कौन सा है हमारा, कि अगर उस पानी का सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो हम निकालना सीख चुके हैं भाई, Na+√CA+2+NG+2/2। तो जो हमारा सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो था 0 से 10, 10 से 18, 18 से 26, 26 से ज्यादा, अगर इस रेंज में है तो कहलाएगा हमारा S1 वाटर, मतलब लो सोडियम वाटर। इस रेंज में है तो S2, इसमें है तो S3 और इसमें है तो S4। तो ये हमारे दोनों क्लासिफिकेशन, इन पर क्वेश्चन बनता है। अब देखो आपको याद कैसे रखना है, आपको केवल पहली वैल्यू याद रखनी है दोनों के अंदर। इसमें आपको याद रखना है 100 से 250 वाला जो था हमारा क्या था, C1 था। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई 3, 3 से गुणा करते चले जाओ, 250 दिया 750, 750 दिया 2250, ठीक है, बस इतनी सी बात है। और अगर इसके अंदर क्या करना है, इसमें आपको पहला याद रखना है और क्या करना है, +8, 8 जोड़ दे चला जाना है, 0 से 10, 10 प्लस 8, 8 प्लस 18 प्लस 8, 26, 10 और 8, 18, 18 और 8, 26, ऐसे आपको याद रखना है। तो +8 इसमें करना है, और ये केवल याद रखने का तरीका है, ट्रिक है, ऐसे कोई आया नहीं है कभी, आप सोचो एक बार मैंने ट्रिक बताई याद रखने की। अब मैं इसके ऊपर कुछ आपको क्वेश्चन कराता हूँ, एक दो किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जनरली वो चीजें, तो आप इस टेबल को उतार सकते हैं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लें आप इसका, इसको उतार लेना आप कॉपी पर। अब मैं इस पर आपको क्वेश्चन कराता हूँ, एक किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, देखो भाई क्वेश्चन आपसे पूछा गया डायरेक्टली, क्लासिफाई द वॉटर हैविंग
इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एज 1500 माइक्रो मोहो पर सेंटीमीटर एट द रेट 25 डिग्री सेंटीग्रेड. ऑप्शन ए, बी, सी और डी. आपसे क्वेश्चन में क्लासिफाई द वाटर हैविंग इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एज 1500 माइक्रो मोह पर सेंटीमीटर एट 25. आपको मालूम है इरिगेशन वाटर हम कैसे क्वालिफाई कैसे क्लासिफाई करते हैं? दो आधार पर, एक तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के आधार पर. चार होते थे हमारे, C1, C2, C3, C4. C1 मतलब लो सोडियम वाटर, और ये मीडियम हाई और वेरी हाई. और इसको कैसे क्लासिफाई करते थे कि अगर 100 से 250, पहली टर्म आपको याद रखनी थी, मैंने बताया था आपको 100 से 250 है तो कौन सा होगा हमारा C1, मल्टीप्लाई 3 करते चले जाओ, 250 से 750, 750 से 2250 और 2250 से ज्यादा. तो आप इसमें देख लीजिए. तो ये जो आपसे क्वेश्चन पूछा, क्लासिफाइड है वाटर हैविंग इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, तो यहां से आपको माइंड में तुरंत आना चाहिए कि हमारा जो वाटर है या तो C1 होगा या C2 होगा या C3 होगा या C4 होगा. S1 वाले को तो जाना ही नहीं है, क्योंकि उसके लिए तो किस चीज का यूज होता है हमारे, सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो का. तो इसमें से ये ऑप्शन तो अपने आप कैंसिल हो गए, S2 और S3. तो मतलब हमारा आंसर C2 और C3 में से कोई सा है. तो इसने रेंज क्या दी है, 1500 माइक्रो मो पर सेंटीमीटर. 1500 किसके बीच में आएगा भाई, 750 और 2250 के बीच में आएगा. इसलिए हमारा कौन सा वाटर है, वो C3 वाटर है. तो आपको ऑप्शन ऐसे ही मिल सकता है जैसा मैंने लिखा है शॉर्ट में, C1, C2, C3, C4, या फिर आपको पूरा नाम मिल सकता है कैसे, लो सैलिनिटी वाटर, मीडियम सैलिनिटी वाटर, हाई सैलिनिटी वाटर और वेरी हाई. तो आपका कौन सा वाला है, तीसरे नंबर का है, मतलब हाई सैलिनिटी वाटर. बात क्लियर है? तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आपको ऐसे ही पूछेगा क्वेश्चन. सेम क्वेश्चन आपको दे दिया इस तरह से, क्लासीफाई द वॉटर हैविंग सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो एज 25. यह बताइए सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो की कोई यूनिट लिखे, इसकी कोई यूनिट लिखेंगे नहीं हम. क्यों? क्योंकि क्या था ये रेशियो, पहली बात तो ये रेशियो है, Na+/N में √Ca+2+Mg+2/2. तो ये देखो आयन से आयन जो भी होंगे, आयन हमारे ppm में होगा, और ये भी आयन किसमें चलेंगे, हमारे ppm में चलेंगे. कोई इसका आएगा यूनिट, कोई यूनिट नहीं आएगा. क्या है हमारा, यूनिट लेस है. ठीक है, तो इसलिए केवल डायरेक्टली इसकी वैल्यू लिखी हुई है 25, SAR S 25. चार ऑप्शन है आपके, तो आपको इसने बोला है SAR के आधार पर बताना है. मतलब क्या है, दोनों ऑप्शन तो कैंसिल हो गए पहले, मतलब हमारा S1 S2 S3 S4 होगा. इसके लिए मैंने टेबल आपको बताई थी, 0 से 10, 10 से 18, 18 से 26, 26 से ज्यादा. ये कौन सा है, S1 S2 S3 और S4. 25 किस रेंज में है हमारे, इस रेंज में. तो हमारा आंसर क्या होगा, S3 वाटर. क्लियर है? और S3 को हो सकता है आपको ये फुल फॉर्म दे दे, क्या देगा उसके अंदर आपको, लो सोडियम वाटर, मीडियम सोडियम वाटर, हाई सोडियम वाटर और वेरी हाई. कौन सा होगा हमारा, ये हाई सोडियम वाटर. ठीक, अब देखिए, ये तो थे बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, बिल्कुल हमने बेसिक से देखे अभी कैसे पूछे जाते हैं नॉर्मली. और अगर वो आपसे कुछ घुमाना चाहेगा, किस तरह से आपको क्वेश्चन देगा, जैसे मैंने अभी आपको एक क्वेश्चन करवाया था थोड़ी देर पहले, कैलकुलेट SAR, बिल्कुल वैसे क्वेश्चन है, क्लासिफाई द वॉटर हैविंग सोडियम कैल्शियम एंड मैग्नीशियम एज, सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम एज 20 ppm, 20 ppm एंड 12 ppm respectively. क्रमशः आपको ये बोल दिया क्लासिफाई द वॉटर हैविंग. अब इसमें उसने कुछ भी नहीं बोला कि SAR इतना है या फिर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट इतनी है. उसने क्या बोला इस बार आपको, इस बार उसने बोला है कि क्लासिफाई करो पानी को, और ये वैल्यू दी हुई है. तो आपके माइंड में क्या आएगा, इन वैल्यूज के आधार पर तो हम SAR निकालते हैं. तो हमारा ऑप्शन जो होगा S1 S2 S3 S4 में से कोई एक होगा. इसका SAR अपन निकाल चुके हैं. अपन क्या था इसका SAR, इसका SAR हमने भी निकाला था, कितना आ रहा था, 5 आ रहा था. सॉरी, कितना आ रहा था,
पांच आ रहा था हमारा, तो पांच किस रेंज में आता है, जीरो से दस के बीच में, तो हमारा कौन सा हुआ ये एस वन वॉटर, बात क्लियर है। तो इस तरह से और देखो स्टेप बाय स्टेप देख रहे हैं आप, ये थोड़ा सा हार्ड है। अब इससे ज्यादा हार्ड क्वेश्चन क्या होगा आपके लिए, आपको बोल दिया क्लासिफाई द वॉटर हैविंग एनए प्लस सी ए प्लस टू एम जी प्लस टू एस 20 ppm 20 ppm 12 ppm रेस्पेक्टिवली एंड 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 इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एज 500 माइक्रो मो पर सेंटीमीटर एट द रेट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखो इसके मैं ऑप्शन नहीं दिखाऊंगा आपको, पहले पहले आप इसको समझो अपने आप से कि इसका आंसर किस प्रकार का होगा। अब इसे बोलते क्लासिफाई द वाटर हैविंग एनए प्लस सीए प्लस टू एमजी प्लस टू, मतलब इससे तो एसएआर निकलेगा और एसएआर के आधार पर हम बताएंगे, मतलब हमारा आंसर अगर हम इस क्वेश्चन को यहां तक देखते हैं तो एसएआर के आधार पर एस वन एस टू एस थ्री एस फोर में से होगा। लेकिन उसने आगे एक चीज बता दी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बता दी, तो इसके आधार पर आंसर सी वन सी टू सी थ्री सी फोर होगा। आप एसएआर के आधार पर देखोगे तो एसएआर की वैल्यू कितनी आ गई हमारी पांच, तो पांच किस रेंज में आता है जीरो से दस की रेंज में आता है, जीरो दस की रेंज में कौन सा होता है हमारा एस वन वॉटर। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शॉर्ट में इजी से नोट करते हैं अपन इसको, तो ये कितना आ रहा है 500 माइक्रो मोह पर सेंटीमीटर, और ये किस रेंज में हमारा 100 से 250 से 750 वाली रेंज में, ये 250 से 750, और इस रेंज वाले को हम क्या बोलते थे सी टू। तो अब हमें समझ नहीं आ रहा कि ये S1 वाटर बोले हम इसको या C2 बोले, दोनों चीजें दी हुई है तो कुछ नहीं, इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम S1 C2 वाटर ही बोलेंगे, इसको हम जॉइंट वाटर बोलेंगे S1 C2। और आपको ऑप्शन भी ऐसे मिलेंगे, पहला ऑप्शन मिलेगा आपको S1, दूसरा मिलेगा सेपरेट, ऑप्शन कैसे मिलेंगे देखो S1 B मिलेगा आपको C2, C मिलेगा S1 C2 और D मिलेगा आपको C3, इस तरह से ऑप्शन मिलेंगे आपको। तो आपका क्या होगा, दोनों चीजें हैं तो ये वाटर कहलाएगा S1 C2, और अगर इसको मैं फुल फॉर्म में बोलूं तो कौन सा होगा ये वाटर हमारा S1 का मतलब लो सोडियम और C2 का मतलब मीडियम, लो सोडियम मीडियम सैलिनिटी वाटर। तो इस तरह से ये टॉपिक पर क्वेश्चंस बनते हैं न्यूमेरिकल्स। देखो इरिगेशन के अंदर आपको दो तीन टॉपिक ही है जहां से न्यूमेरिकल्स बनते हैं, इससे अलावा आपको न्यूमेरिकल्स नहीं बनेंगे, एक तो ये था और आगे आएंगे तो मैं आपको बता दूंगा। ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, अब हम देखते हैं इंडियन क्रॉप एंड क्रॉप सीजन्स, कि जो हमारा इंडिया है उसमें कौन कौन सी क्रॉप्स होती हैं और कौन कौन से सीजन्स होते हैं क्रॉप के, इंडियन क्रॉप्स की बात करेंगे हम यहीं पर। इंडियन क्रॉप्स एंड क्रॉप सीजन, देखो इंडियन क्रॉप सबसे पहली है खरीफ, रबी, जायद, पेरेनियल, कैश क्रॉप। खरीफ, खरीफ की फसल, तो जो खरीफ की फसल होती है उसका जो सोइंग पीरियड, मतलब जो हमारी बुआई का समय यहां पर बोला है, टोटल पीरियड जो इसका है जुलाई टू सितंबर माना जाता है, जुलाई टू सितंबर। रबी का माना जाता है हमारा अक्टूबर टू मार्च, ये जो है स्टार्टिंग, ये हमारा सोइंग पीरियड, सोइंग का मतलब बुआई का समय, और ये कौन सा है, ये हमारा हार्वेस्टिंग पीरियड, हार्वेस्टिंग मतलब कटाई का समय, ठीक है, जुलाई टू सितंबर, अक्टूबर टू मार्च, और ये अप्रैल टू जून। बेसिकली वैसे ये कोई सीजन नहीं है, केवल ये दो ही होते हैं, देखो ये जो हमारे जो क्रॉप है बेसिकली दो ही है मेन क्रॉप, मुख्य क्रॉप खरीफ की फसल, रबी की फसल, ये केवल लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं, ठीक है। पेरेनियल क्रॉप का मतलब क्या है, बारहमासी फसल, पहले हम खरीफ के बारे में बात करते हैं, तो इसको क्या है सोइंग पीरियड जुलाई, और हार्वेस्ट क्या है इसका सेप्टेम्बर। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से, कौन कौन से थी खरीफ की फसलें हमारी,
राइस चावल, मेज मक्का, स्पाइक मिलेट बाजरा, ग्रेट मिलेट ज्वार, ये होती है हमारी सबसे जो खरीफ की मेन फसल है, मुख्य फसल वो कौन सी हमारी, राइस चावल। रबी की फसल अक्टूबर टू मार्च, एग्जाम्पल कौन से हैं, वीट गेहूं, इसकी मुख्य फसल कौन सी है रबी की, गेहूं है, गेहूं ग्राम चना मस्टर्ड सरसों बार्ले जौ एक्सेट्रा। तो ये हमारी फसल है रबी की, रबी की इंपॉर्टेंट फसल कौन सी है, वीट। तो अगर मैं वीट बोलूंगा तो वीट अपने आप में पूरी रबी फसल को रिप्रेजेंट करेगी, अगर मैं बोलूंगा राइस तो वो खरीफ फसल को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है, वो क्योंकि वो उसकी मुख्य फसल है। अपने ऐसे दूर में खाने पीने की चीज जैसे हमारी ककड़ी हुई, खीरे, खरबूज, तरबूज, ये सारी चीजें वेजिटेबल्स, ये जायदगी में आते हैं, ठीक है, कुकुम्बर मस्क मेलन खरबूज तरबूज वाटरमेलन वेजिटेबल्स कुकुम्बर, ये सारी सारी फसल किसमें आती है, हमारी जायद में। मैंने बता दिया आपको भी लोकल है ये कोई क्रॉप नहीं है हमारी, मेन केवल दो ही है, ये हमारी लोकल क्रॉप है, लोकल लैंग्वेज बोलते हैं पैरेलल क्रॉप। पैरेलल वर्ड का मतलब क्या, बारहमासी, जो हमारी क्या है, बारहमासी फसल है। ये कौन सी होगी जो बारह महीने चलती है, जैसे कौन कौन सी है, सुगर केन, ठीक, सुगर केन हुआ, पोटेटो हुआ, ये सारी कौन सी हमारी बारहमासी। एट मंथ क्रॉप और बोलते हैं क्रॉप को, कॉटन क्रॉप को बोलते हैं क्या, एट मंथ। अगर पूछते हैं आठ मासी कौन सी होती है हमारी, कॉटन की, कपास की फसल। कैश क्रॉप, देखो भाई कैश क्रॉप का मतलब क्या है, नकदी फसल है, ये वो फसल नहीं है कि इनसे हमको रुपए मिले, रुपए तो सभी फसलों से मिलेंगे, लेकिन कैश क्रॉप वो क्रॉप होती है जो किसी प्रोसेस के बाद में ही मार्केट में आती है, उनको अपन डायरेक्टली यूज नहीं करते हैं, जैसे कि क्या हुआ हमारा टी, ठीक, कॉफी, स्पाइसेस, टोबैको, तंबाकू। तो ये सारी जो हमारी क्रॉप्स हैं, ये वाली क्रॉप्स, ये डायरेक्टली वैसे यूज भी कर लेते हैं लेकिन मार्केट में किसी प्रोसेस के बाद में आती हैं, इसलिए इनको अपन क्या बोलते हैं, कैश क्रॉप। ऐसा नहीं है कि इनसे तो रुपए मिलेंगे बेचने पर, इनको बेचने पर नहीं मिलेंगे, ऐसा नहीं। राइस को अपन डायरेक्टली वहां से यूज कर सकते हैं, आपने राइस जो चावल है, चावल कटाई के बाद में आप वहां पर घर पर यूज कर सकते हैं उसको डायरेक्टली, चावल हुए गेहूं हुए इनको, ठीक है, लेकिन और ये जो वेजिटेबल्स वगैरह, लेकिन इन फसल को अपन डायरेक्टली यूज नहीं करते, मार्केट में कमाएंगे किसी प्रोसेस के बाद में आएंगे, टी कॉफी स्पाइसेस और तंबाकू वगैरह, ये सारी सारी फसलें। तो ये मोटा मोटा आइडिया था, ये किस चीज के लिए इंपॉर्टेंट था, ये इंपॉर्टेंट था आगे बार बार आपके खरीफ की फसल और रबी की फसल के बारे में बात आएगी, तो जहां पर भी राइस बोला जाए तो आपके माइंड में ऑटोमेटिकली खरीफ आना चाहिए, क्योंकि अकेला ये किस क्रॉप को, किस सीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है, खरीफ सीजन को। तो हमारी कुछ क्रॉप्स थी, इसके बाद में अब आती बात हमारे कुछ डेफिनेशंस हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इस पूरी यूनिट के अंदर, अगर कुछ क्वेश्चंस आते हैं 100% आएंगे क्वेश्चंस इस यूनिट से, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इस यूनिट से ही आएंगे पूरे वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के अंदर, और उसमें भी अब जो मैं आपको पढ़ाऊंगा वो टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कुछ डेफिनेशंस, 20-22 डेफिनेशंस हैं, वहां से क्वेश्चन जरूर बनेगा, उनको वन बाय वन देखते हैं। तो सबसे पहले जो हम देखेंगे वो चार पांच डेफिनेशंस को मैं एक डायग्राम से आपको बताना चाहूंगा, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, ओके। सबसे पहले मैं आपको चार पांच डेफिनेशन है कुछ इरिगेशन के बारे में, उन सभी को एक सिंगल डायग्राम से देखेंगे हम।
देखो भाई ये हमारे एक डायग्राम है, इससे आप समझने की कोशिश करेंगे कौन कौन सी डेफिनेशन है। सबसे पहले हम देखते हैं पालियो इरिगेशन, हिंदी में इसको बोलते हैं पलीवा सिंचाई, पर्यावरण भी बोलते हैं इसको लोकल लैंग्वेज में। क्या होता है ये? हमारा जो फील्ड है उसमें हम सोइंग, सोइंग का मतलब है बुआई, बस बीज को डालना, और हार्वेस्टिंग का मतलब है कटाई, ठीक है, और वाटरिंग का मतलब क्या है भराई, पानी लगाना, उसको बोलेंगे हार्वेस्ट वाटरिंग। तो सोइंग का मतलब क्या है? बीज डालना। बीज डालने से पहले क्या, हमें थोड़ी सी मॉइस्चर चाहिए उस बीज को अंकुरित होने के लिए। तो उसके लिए अपन क्या है, फील्ड के अंदर पहले से मौजूद है मॉइस्चर, ठीक है, पहले से मौजूद कैसे होगा, रेनफॉल के द्वारा। लेकिन आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ लास्ट लेक्चर के अंदर कि इंडिया के अंदर रेनफॉल क्या है, कॉन्टिन्यूस नहीं होती है, तो हमें क्या सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। तो वहां पर उस फील्ड के अंदर जहां पर हम क्या करने वाले हैं, बुआई करने वाले हैं, हमें नमी प्रदान करनी है फील्ड को, किस चीज के लिए, ताकि जो हमारे बीज डाले हमने उसके अंदर क्या हो जाए, अंकुरित हो जाए वो मॉइस्चर, मॉइस्चर की प्रेजेंस में। तो वो हमें नमी बनाने के लिए हम बुआई से पहले उस फील्ड के अंदर पानी अप्लाई करेंगे, इरिगेशन करेंगे उस फील्ड के अंदर, उस इरिगेशन को हम क्या बोलेंगे, पालियो इरिगेशन। तो इसका मेन मकसद क्या है, केवल और केवल फसल से इसका कोई लेना नहीं है, ठीक है, इसका मेन मकसद क्या है, फील्ड को नमी प्रदान करना बस, और उस नमी का मकसद है वो जो हमारे बीज है उसको अंकुरित करना। बात क्लियर है? तो इसका कोई लेना देना नहीं है सिंचाई से, ना ही इसकी फसल की ग्रोथ से कोई मतलब है, वो चीजें आगे होंगी। इसका मतलब केवल किससे है, इसका मतलब है केवल हमारे फील्ड को मॉइस्चर कंटेंट प्रोवाइड करने से है, ठीक है। तो पलेवा इरिगेशन क्या होता है, या फिर पाली इरिगेशन क्या होता है, ये इरिगेशन बुआई से पहले होता है। तो क्वेश्चन काफी सारे बनते हैं इस पे, ये कब होगा हमारे, बुआई से पहले, बुआई के टाइम पे होगा, बिल्कुल नहीं, बुआई से पहले होगा। उसके बाद में हमारा आती है कुछ बात, जैसी हमने नमी प्रदान कर दी फील्ड को, उसके बाद फिर हम क्या कर देंगे, सोइंग कर देंगे, बुआई कर देंगे, और बुआई के तुरंत बाद ही पानी नहीं डाला जाता, भराई कब करेंगे, कुछ टाइम पीरियड के बाद में। और जो हम कुछ टाइम पीरियड के बाद में जो हम भराई कर रहे हैं, मान लीजिए हमने 1 सितंबर को हमने बुआई कर दी और उसके 5 दिन बाद हम पहली भराई कर रहे हैं, फर्स्ट वाटरिंग कर रहे हैं, तो जो आप भराई कर रहे हो ना उसमें बहुत ज्यादा पानी लगेगा, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम दे रहे हो उस फील्ड को पानी काफी समय बाद, ठीक है। तो उस फसल की पहली सिंचाई होगी, इसलिए वो जो सिंचाई है वो जो फर्स्ट वाटरिंग के इंपॉर्टेंट है, उसके बाद में भी सिंचाई होगी टाइम टू टाइम, लेकिन पहली वाली क्या है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसका नाम ही अलग रख दिया गया है, स्पेशल नाम दे दिया इसको, क्या, कोर वाटरिंग। तो कोर वाटरिंग कौन सी होती है, फर्स्ट वाटरिंग। और क्यों दिया गया इसको नाम स्पेशल, मैंने आपको बता दिया, क्योंकि जो पहली सिंचाई होती है ये फसल की पहली सिंचाई है और इसमें पानी की मात्रा अधिक लगती है। अधिक क्यों लगेगी, ये नहीं कि उस पौधे को ज्यादा पानी चाहिए, नहीं, उस फील्ड के अंदर नमी पहले से मौजूद नहीं थी, ठीक है। तो इसलिए सिंचाई का नाम हमने अलग से स्पेशल रख दिया, कोर वाटरिंग। तो फर्स्ट वाटरिंग को ही हम क्या बोलते हैं, कोर वाटरिंग। तो सोइंग के बाद में जो पहली वाटरिंग होगी उसे हम क्या बोलेंगे, कोर वाटरिंग, ठीक। और ये जो हमारी सोइंग से लेकर के और कोर वाटरिंग तक का जो समय था, फॉर एग्जाम्पल जो मैंने अभी आपको बताया, 1 सितंबर को हमने सोइंग करी थी और 5 सितंबर को हमने क्या करी, फर्स्ट वाटरिंग। जो टाइम पीरियड था 5 दिन का, इसको हम क्या बोलेंगे, कोर पीरियड, ये होता है हमारा कोर पीरियड। ये सेकंड वाटरिंग करेंगे फिर हम कुछ दिनों बाद, मान लिया 10 सितंबर को कर दी, फिर 15 को, फिर 20 को, सेकंड करी, थर्ड करी, फोर्थ करी, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट, और फिर हमने क्या करी, लास्ट वाटरिंग हमारी अंतिम भराई थी 30 अक्टूबर को, एग्जाम्पल के तौर पर। अब 30 अक्टूबर को जब आपने लास्ट वाटरिंग करी है, उसी दिन तो हम फसल को काट नहीं लेंगे, उसके कुछ समय बाद काटेंगे। तो लास्ट वाटरिंग के बाद कुछ समय बाद हम क्या करेंगे, उसकी हार्वेस्टिंग मतलब कटाई कर देंगे, उससे हमें जो भी हमें फसल से चाहिए था वो सारी चीज हम ले लेंगे। तो लास्ट वाटरिंग, अब देखिए आप, जो पहली वाटरिंग थी, पहली वाटरिंग से लेकर के और लास्ट वाटरिंग तक का जो समय था, उस समय को हम क्या बोलेंगे, बेस पीरियड। तो बेस पीरियड क्या होता है, फर्स्ट वाटरिंग टू लास्ट वाटरिंग, इट इज द टाइम पीरियड बिटवीन फर्स्ट वाटरिंग टू लास्ट वाटरिंग। बात क्लियर है? अब बात आती है हमारे एक डेफिनेशन और पूछता है हमारी, कौन सी पूछता है, वो पूछता है क्रॉप पीरियड क्या होता है। तो क्रॉप पीरियड क्या होता है हमारा, सोइंग से लेकर के हार्वेस्टिंग तक का जो समय होता है उसे हम क्या बोलते हैं, क्रॉप पीरियड। तो हमारे कुछ टाइम पीरियड थे जिनके बारे में आपसे पूछ सकता है, इन पर क्वेश्चन जरूर बनता है, कोर पीरियड क्या होता है, क्रॉप पीरियड क्या होता है, बेस पीरियड क्या होता है, कोर वाटरिंग क्या होती है, कोर डेप्थ क्या होती है, कोर डेप्थ के बारे में भी बात करेंगे हम। ये चीज क्लियर है आपको, ये चीजें क्या होती हैं, तो क्वेश्चन यही पूछते हैं, फर्स्ट वाटरिंग या फिर कैसे पूछेगा, सोइंग टू हार्वेस्टिंग तक का समय क्या कहलाता है, क्रॉप पीरियड, बेस पीरियड, कोर पीरियड, ये चीजें हैं। तो 4-5 डेफिनेशन इस पूरे एक सिंगल डायग्राम से कवर हो चुकी है, इसके बाद फिर हम देखते हैं
कोर डेप्थ के बारे में थोड़ा क्लियर करता हूं मैं आपको, कोर डेप्थ, और कोर डेप्थ से पहले भी आपको वाटर डेप्थ के बारे में क्लियर करता हूं। ये चीज आगे आएगी फिर आप कंफ्यूज होंगे कि पौधे में पानी डेप्थ के रूप में कैसे लगेगा। देखो भाई सिंपल सी बात है, जैसे हम रेनफॉल की बात करते हैं, बोलते हैं भाई रेनफॉल 2 इंच बारिश हुई अलवर में, 20 mm बारिश हुई, 30 mm बारिश हुई, तो mm का मतलब क्या है? डेप्थ से है ये, तो mm का मतलब क्या है? ये तो डेप्थ में चल रही है टर्म हमारी। लेकिन पानी कोई लाइन के रूप में थोड़ी गिरेगा, ऐसे 2 mm पानी गिर गया ऐसे लंबाई के रूप में, ऐसे बिल्कुल नहीं। पानी तो कैसे गिरेगा? एक वॉल्यूम के रूप में गिरेगा, ठीक है? तो वॉल्यूम कैसे? वॉल्यूम मतलब मीटर क्यूब हुआ या फिर लीटर बोलो, कुछ भी मतलब। तो हम कैसे क्या करें, उसने जो डेप्थ बोली है ना हमको, उस डेप्थ को हम उस एरिया से अगर मल्टीप्लाई करें, भाई एरिया तो कांस्टेंट रहेगा किसी जगह का, वो तो फिक्स ही रहेगा, एरिया तो चेंज हो नहीं जाएगा। तो एरिया कांस्टेंट है ऑलरेडी किसी भी जगह का, किसी भी क्षेत्र का, उसको आपने किससे मल्टीप्लाई कर दिया? उस डेप्थ से मल्टीप्लाई कर दिया। तो फिर क्या आ गया, ये उसका वॉल्यूम आ गई, बात क्लियर है? तो जहां पर भी डेप्थ वर्ड आए ना, तो आप कभी ये नहीं सोचेंगे पानी जो है लाइन के रूप में गिर रहा है, बिल्कुल नहीं। तो पानी क्या है? वॉल्यूम के रूप में गिर रहा है, बस हम उसे डिनोट कैसे कर रहे हैं, उस वॉल्यूम को हम डिनोट कर रहे हैं किसके द्वारा? डेप्थ के द्वारा, ठीक है? एक चीज और यहीं पर क्लियर कर देता हूं, जैसे हमारे सॉइल होती है, सॉइल ऐसे पूरा फील्ड है वॉल्यूम के रूप में, आपने पानी डाला उस एरिया, मान लीजिए आपका है वो 1 हेक्टेयर है, ठीक है, या फिर 10 मीटर बाय 10 मीटर का मतलब 100 मीटर स्क्वायर का एरिया है इस फील्ड का, इस तरह से ऊपर से देखने पर। इस फील्ड में आपने पानी लगाया, जो पानी था, पानी की वॉल्यूम थी आपकी कितनी? 10 बाय 10 बाय 1 मीटर क्यूब, ठीक, 10 मीटर बाय 10 मीटर बाय 1 मीटर, कितना हो गया ये? 100 मीटर क्यूब, ठीक। तो ये वॉल्यूम थी, ये क्या है? अपना एरिया है। आप जब इस पानी को इसमें डालोगे तो ऑटोमेटिकली कितनी डेप्थ कवर कर पाए? 1 मीटर डेप्थ। तो हम क्या बोलेंगे? तो पानी तो लग रहा है वॉल्यूम के रूप में, लेकिन हम बोलेंगे क्या शॉर्ट में कि 1 मीटर पानी लग गया उस फील्ड के अंदर, 1 मीटर। तो हम डेप्थ के रूप में बात करेंगे हमेशा पानी की, लेकिन पानी रहता है किसमें? हमेशा वॉल्यूम में। तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे इस चीज के अंदर। अब बात आती है डेप्थ की, तो अगर मैं किसी फसल के लिए बोलूंगा कि किसी फसल को कितना, कितने पानी की आवश्यकता है, ठीक है, फील्ड था हमारा 10 बाय 10 बाय 10 का, ये हमारा फील्ड था, ये 10 मीटर इसकी लेंथ, ये भी 10 मीटर है, डेप्थ है इसकी 1 मीटर। इसके अंदर हमारी राइस की क्रॉप है, एरिया कितना हो गया इसका? सरफेस एरिया 100 मीटर स्क्वायर। ये क्या है? इसकी डेप्थ है। पहली बार जब मैंने वॉटरिंग करी, पानी डाला इसके अंदर, तो पानी क्या है? 1 मीटर डेप्थ तक गया इसमें। यहां पर जो टोटल हमारी जो वॉल्यूम लगी पानी की, कितनी लगी? 100 मीटर क्यूब इस फील्ड के अंदर। डेप्थ कितनी लगी? 1 मीटर। कैसे बोलूं मैं, चाहे इसको वॉल्यूम के रूप में बोलूं चाहे डेप्थ के रूप में, पानी उतना ही लगा है। तो हम क्या कहेंगे, राइस को कितना पानी चाहिए था? 1 मीटर, ठीक है। तो हम डेप्थ को किस चीज, पानी को किस टर्म में हम रिप्रेजेंट करेंगे? डेप्थ के टर्म में। अब यहां से बात आती है हमारे कोर डेप्थ, जैसे मैं समझाना चाह रहा था कोर डेप्थ का मतलब क्या है। मैंने आपको बताया कि फर्स्ट वाटरिंग में सबसे ज्यादा पानी लगता है, इसलिए इसका नाम स्पेशली रख दिया गया है अलग से। क्या रख दिया गया है? कोर वाटरिंग, इस पानी को रख दिया हमने कोर वाटरिंग। और इसमें जो हमारी डेप्थ लगती है उसे क्या बोलते हैं हम? कोर डेप्थ बोलते हैं। इस पानी की डेप्थ हम बोलते हैं कोर डेप्थ। कोर डेप्थ की वैल्यू अलग अलग होती है हर फसल के लिए। हमारे लिए दो ही फसल इंपॉर्टेंट है, अब ये नहीं कि सर बाजरे के लिए क्या होती है, मक्का के लिए क्या होती है, मैंने आपको बता दिया। खरीफ के लिए जो रिप्रेजेंट करती है वो है राइस, और रबी को वीट करती है। केवल इन दोनों फसल के लिए पूछता है, ज्यादा कई बार शुगर केन के लिए पूछ रहे हैं, लेकिन ये नहीं कि आपसे किसी अलग फसल के लिए, कि आपसे ग्राउंड नट मूंगफली के लिए पूछ ले उसकी कितनी होती है, ऐसे नहीं पूछेगा आपसे। 1000 क्रॉप है, 1000 कोर डेप्थ होगी सभी की, जो मेन है केवल उनके बारे में पूछता है हमेशा। तो मेन क्रॉप हमारी कौन कौन सी है, तो मैं आपको लिख देता हूं राइस की और ये नोट के रूप में आप इसे उतारेंगे।
देखिए ये क्वेश्चन लास्ट टाइम डब्ल्यूआरडी में भी आया था और ये क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है लगभग, क्योंकि कुछ क्वेश्चन क्या होते हैं हमारे मेहमान क्वेश्चंस होते हैं जो आते ही आते हैं, उनमें से एक क्वेश्चन हमारा कौन सा राइस क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है कोर डेप्थ का, पूछता है कि राइस जो है उसकी कोर डेप्थ कितनी होती है 19 सेंटीमीटर, सबसे ज्यादा भी इसी की होती है 190 mm 19 सेंटीमीटर होती है इसकी, और कोर पेड़ कितना होता है 2 से 4 वीक होता है, और जो हमारा वीट है वीट किसको रिप्रेजेंट कर रही है रबी को, तो वीट को 3 से 8 वीक, तो उसका कोर कोर डेप्थ 13.5 सेंटीमीटर। ये थी बात हमारे कोर डेप्थ की। सुगर केन की भी अगर आपसे पूछे 16.5 से 17.5 के बीच में रहती है उसकी रेंज, ठीक, तो आपके आपसे इन दोनों के बारे में पूछेगा मेनली 19 सेंटीमीटर और 13.5 सेंटीमीटर। अब बात आती है नेक्स्ट, जो नेक्स्ट जो हमारी डेफिनेशन है वो है इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन, या इसका दूसरा नाम है फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन। क्या होता है ये, जो हमारी दो लगातार हमारी तो कॉन्जिक्यूटिव जो लगातार जो हमारी सिंचाई है, दो लगातार हमारी वॉटरिंग है, उन लगातार वॉटरिंग के बीच का जो टाइम पीरियड होता है उसे हम क्या बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन। ये वर्ड आपको इस यूनिट के बिल्कुल एंड में भी मिलेगा, वहां पर इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन का मतलब ही अलग है। तो यहां पर फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन इंटेंसिटी का मतलब क्या है, फर्स्ट वाटरिंग और सेकंड वाटरिंग के बीच कितना टाइम पीरियड, सेकंड थर्ड के बीच कितना, थर्ड फोर्थ के बीच में, फोर्थ फिफ्थ के बीच में कितना पीरियड है, तो इसको हम क्या बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन। क्लियर है बात। उसके बाद बात आती है हमारे क्रॉप रोटेशन, ये क्या होता है, नेक्स्ट डेफिनेशन है क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन मतलब ये नहीं कि क्रॉप को हम रोटेट करके लगा रहे हैं, अलग तरीके से लगा रहे हैं, पहले यहां लगा दी फिर यूं लगा दी, ये बिल्कुल नहीं है। क्रॉप रोटेशन का मतलब क्या है, पहले मान लीजिए आपको मालूम है खरीफ और रबी दोनों के सीजन अलग अलग है, दोनों के पीरियड अलग अलग है, मंथ अलग है। खरीफ को हम अलग टाइम पीरियड पे खरीफ की फसल को हम उगाते हैं और रबी को अलग पे, ठीक है। हमारे पास फील्ड एक ही है, ये रहा फील्ड, 100 मीटर स्क्वायर इसका एरिया है। तो खरीफ सीजन की बात करूं जुलाई से सितंबर, मैंने क्या किया इस पे बाजरा उगाया पूरे पर, ठीक है। तो बाजरा को जो चाहिए था मेनली, देखो पौधे किस तरह से ग्रोथ करते हैं, पौधे पानी की प्रेजेंस में, जैसे हम क्या करते हैं ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, ऐसे पौधे क्या करते हैं पानी की प्रेजेंस में जो सॉइल है उससे न्यूट्रिएंट लेते हैं, उससे न्यूट्रिएंट लेकर के और फिर नीचे से कंप्लीट जो न्यूट्रिएंट उसके एक एक पॉइंट तक एक एक सेल तक जाते हैं, और बाहर से उसको कौन सी प्रकाश असर क्रिया आप जानते हो, उन दोनों के दोनों प्रोसेस से क्या होता है वो अपना भोजन खुद बनाते हैं। भोजन का मतलब क्या है, जिस चीज से उनको एनर्जी चाहिए वो क्रिएट करते हैं इन दोनों माध्यम से। तो उसको क्या क्या चीज चाहिए, सनलाइट चाहिए, ठीक है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए जो उसको एटमोस्फेयर बाहर से मिलती है, और क्या चाहिए उसको न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, सनलाइट चाहिए पौधे को और उसको चाहिए न्यूट्रिएंट्स और उसको चाहिए वाटर, तब जाकर के वो अपना खाना खुद बना पाते हैं। खुद बनाने का मतलब क्या है, ऑटोमेटिकली अंदर बन रहा है खाना, उनको बाहर से कुछ यूज करने की जरूरत नहीं है, अपना भोजन अपनी एनर्जी क्रिएट करने की, खाने का मतलब है एनर्जी क्रिएट करना, ये उसको बाहर से मिल गया। वाटर हम अप्लाई करते हैं या फिर नेचुरल रेनफॉल के द्वारा मिल जाता है। अब बात रही न्यूट्रिएंट की, तो न्यूट्रिएंट पौधे को कहां से मिलते हैं, फर्स्ट तो उसको मिलता है सॉइल से जो रूट्स के द्वारा मिलते हैं, और दूसरा न्यूट्रिएंट कहां से मिलेंगे उसको एटमॉस्फेयर से। बात क्लियर है, जो वायुमंडल है उसमें भी हमारे काफी सारी गैसेस घूमती रहती है, फैली रहती है, तो उन गैसेस को भी वो ले लेता है जो जो उसके लिए यूजफुल होती है, कार्बन डाइऑक्साइड और भी जो भी उसको यूजफुल रहती है। तो न्यूट्रिएंट कहां से मिलेगा, सॉइल से। सॉइल में जैसे ही वाटर गया उस वाटर से क्रिया करके उसकी प्रेजेंस में उसने न्यूट्रिएंट्स लिए, और न्यूट्रिएंट्स बेसिकली कौन कौन से बेहतर होते हैं हमारी फसल के लिए, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस, ठीक है, ये सबसे मेन पोटासियम हमारे कौन से हैं मेन न्यूट्रिएंट है जो एक फसल को चाहिए। अब मैं आपको बात कर रहा था, एग्जांपल बता रहा था कि हमने इस खेत के अंदर बाजरा उगा दिया, ठीक है, पूरे खेत में, और बाजरा जो है उस फसल को चाहिए था क्या ज्यादा, नाइट्रोजन। तो बाजरे ने जो नाइट्रोजन था इस सेप्टेंबर जुलाई से लेकर के सेप्टेंबर में इस फील्ड में मौजूद नाइट्रोजन का यूज कर लिया, ठीक है। अब क्या हुआ सेप्टेंबर के बाद, हमारा फील्ड तो सेम रहा
अब कौन सा सीजन आ चुका है, रबी का सीजन आ चुका है, इसकी हार्वेस्टिंग हो गई। रबी के सीजन में हमने क्या उगा दिया, पहले आपने क्या उगाया था इसमें, बाजरा, ठीक है, स्पाइक्ड मिलेट। अब आपने रबी में क्या उगा दिया, वीट, गेहूं। गेहूं को मान लिया चाहिए था क्या, फॉस्फोरस ज्यादा चाहिए था, तो आपने इस पूरे पूरे फील्ड में गेहूं उगा दिया, ठीक है। अब दोबारा से नेक्स्ट ईयर फील्ड हमारा वही है, नेक्स्ट ईयर फिर से किसकी फसल आएगी, पहले खरीफ का सीजन आएगा, तो आपने फिर से क्या उगा दिया, स्पाइक्ड मिलेट। तो नाइट्रोजन तो उसमें पहले से ही कम था, कम हो चुका था, जितना ज्यादा सॉइल के जितना भी नाइट्रोजन था, मैं बात कर रहा हूं, हम इसमें कोई पेस्टिसाइड्स का यूज नहीं कर रहे, हम किसी प्रकार केमिकल नहीं डाल रहे, नेचुरल कंडीशन की बात कर रहा हूं मैं, तो नाइट्रोजन उसके अंदर खत्म हो चुका था। तो अब जो आप बाजरा इसके अंदर उगा होगा, उसकी ग्रोथ क्या होगी, बहुत कम होगी, उससे प्रोडक्शन बहुत कम होगा, उसकी यील्ड बहुत कम होगी, उपज बहुत कम होगी, उगेगा तो सही पौधा, लेकिन वहां से उतनी फसल नहीं मिल पाएगी जितनी की हमको लास्ट ईयर मिली थी। क्यों? क्योंकि उसको प्रॉपर मात्रा में न्यूट्रिएंट ही नहीं मिल पाए, क्योंकि उसको नाइट्रोजन चाहिए था, हमें मालूम भी नहीं था कि उसको नाइट्रोजन चाहिए, और हमने क्या कर दिया, लास्ट ईयर भी बाजरा उगाया था। अब क्या किया हमने, फिर रबी की फसल आई, उसमें हमने दोबारा से वीट उगा दिया। हम वही प्रोसीजर करते जा रहे हैं हर साल, और फिर क्या होगा, इससे हमारी प्रोडक्टिविटी घटती जाएगी, घटती जाएगी, घटती जाएगी, ठीक है। तो क्या करें, इस चीज से बचने के लिए कि हमारा प्रोडक्शन जो है बराबर बना रहे, हम यहां पर क्रॉप को उसी पैटर्न पे न उगा करके रोटेट करके उगाते हैं। रोटेट करके कैसे, खरीफ में पहले हमने स्पाइक्ड मिलेट लगा दी, उसके बाद में रबी में हमने वीट, अब जो नेक्स्ट टाइम जो खरीफ आएगा उसमें हमने स्पाइक्ड मिलेट बाजरा न उगा करके कुछ ऐसी फसल उगाई जिसको नाइट्रोजन नहीं चाहिए था, कोई और चीज चाहिए थी अपने सॉइल से, हमने क्या उगा दिया नेक्स्ट टाइम, राइस है, तो ये भी खरीफ की फसल और ये भी खरीफ की है, लेकिन हमने स्पाइक्ड मिलेट ना उगा, क्या उगा दिया, राइस। तो इतने टाइम पीरियड में क्या होगा, जो सॉइल है वो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर लेगी और अपने आप में जितनी मात्रा में उसको बनानी चाहिए थी वो बना चुकी है, ठीक है। और फिर उसके बाद में रबी में आपने वीट को न उगा करके क्या उगा दिया आपने, और कोई सी फसल रबी की, कौन सी, ग्राम चना उगा दिया आपने, तो आप क्या कर रहे हो, अलग अलग फसल को रोटेट करके लगा रहे हो। उसके बाद फिर आपने, अब यहां पर जो फास्फोरस की कमी थी वो भी पूरी हो जाएगी, कहां से, एटमॉस्फेयर से, नेचुरल प्रोसेस होता है, अपने आप आता है सॉइल के अंदर, जो भी चीजें साक्षारी को एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब करेगी, तो इस तरह से अब इसका जो प्रोडक्टिविटी लेवल है वो इंक्रीज हो जाएगा। इसलिए हम कभी भी सेम पैटर्न पे न उगा करके क्रॉप को रोटेट करके लगाते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन क्या बेनिफिट्स है, इंक्रीजिंग यील्ड, यील्ड का मतलब उपज है, और प्रोडक्टिविटी, बोथ आर सेम थिंग। उसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट जो टॉपिक है, नेक्स्ट जो हमारी डेफिनेशन है, तो सारी डेफिनेशन चल रही है और मैं आपको इनके बेसिक कॉन्सेप्ट्स बता रहा हूं, इसके बारे में आपको कंप्लीट पता चल चुका है, इससे 10 क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है, कि राइट सीक्वेंस ऑफ क्रॉप रोटेशन, व्हाट इज क्रॉप रोटेशन, आपको केवल बेसिक चीज पता होनी चाहिए, क्वेश्चन चाहे 20 बने आप आंसर दे सकते हैं। इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट हेडिंग, वो है मिक्स क्रॉपिंग एंड मिक्स फार्मिंग। नेक्स्ट हेडिंग है मिक्स क्रॉपिंग एंड मिक्स फार्मिंग। क्या होता है देखो, दोनों का मतलब हमें एक ही लगता है, मिक्स क्रॉपिंग, मिक्स फार्मिंग, मिक्स खेती करना, ठीक है, मिक्स एग्रीकल्चर। देखो मिक्स क्रॉपिंग का मतलब क्या है, हमारे पास फील्ड कांस्टेंट है, इस फील्ड में हमने इसको तीन डिवाइड कर दिए इस तरह से, एक ही फील्ड में खरीफ का सीजन चल रहा है, तो खरीफ के सीजन में हमने क्या किया, इस सेम फील्ड के अंदर इतने पर तो हमने उगा दी अलग फसल, अलग फसल कौन सी उगा दी हमने, राइस, इतने पार्ट पर हमने उगा दी दूसरी फसल, स्पाइक्ड मिलेट बाजरा, इतने पर हमने मक्का उगा दी, तो एक ही खेत में हमने तीन प्रकार की फसल उगा दी खरीफ सीजन के अंदर, या रबी की बात करें तो भी तीन उगा दी अलग अलग फसल। तो उससे क्या होगा, एक जो किसान होते हैं पहले यूज करते थे इस चीज को, अब तो नहीं करते इतना ज्यादा, क्या बेनिफिट है, कुछ बेनिफिट भी है और कुछ मेरिट्स है, कुछ डिमेरिट्स भी है। ये जो प्रोसेस था पहले बता दूं, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मिक्स क्रॉपिंग, एक ही फील्ड पर डिफरेंट डिफरेंट काइंड की क्रॉप को उगाना क्या कहलाता है, मिक्स क्रॉपिंग कहलाता है। क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, कुछ बता दूं। फायदा ये है, मान लीजिए आपने इसमें तीनों तीनों उगा लिए थे, बारिश ज्यादा हुई, कुछ फसल उसको झेल पाई, कुछ नहीं झेल पाई, तो मान लीजिए राइस पूरा ही खत्म हो गया, लेकिन बाजरा जो था वो इतना खत्म नहीं हो पाया, उस पर इतना इफेक्ट नहीं पड़ा उस रेनफॉल का, या किसी भी आंधी तूफान का इतना फर्क उस पर नहीं पड़ा, तो इस फील्ड से पूरे से
कुछ तो प्रोडक्टिविटी हुई हमें हासिल। अगर आप पूरे पर ही राइस उगा देते तो कितनी प्रोडक्टिविटी होती? जीरो। लेकिन अब क्या है, केवल इतनी फसल का नुकसान हुआ है, बाकी बाकी जो हमारी बाजरा है उससे तो कुछ ना कुछ मिला किसान को, तो ये इसका फायदा रहता है। और नुकसान क्या है? नुकसान भी यही है, नुकसान ये है कि भाई स्पाइक मीटर हमारे माइंड में क्या आएगा कि पूरे पर अगर बाजरा उगा देते तो बेहतर रहता, ठीक है। और दूसरी चीज क्या है, आप पूरे पूरे फील्ड में वाटर क्वांटिटी को आपको सेम रखना पड़ेगा, ठीक है। दोनों पूरे फील्ड में आप जो भी चीज कर रहे हो तीनों फसलों के लिए आपको लगभग बराबर करनी पड़ेगी, कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दे सकते। तो इसके अलग अलग, इसके कुछ मेरिट्स भी है कुछ डिमेरिट्स भी है। अब बात आती है, तो मिक्स क्रॉपिंग क्या था हमारा? बेसिकली मिक्स क्रॉपिंग था एक ही फील्ड में डिफरेंट काइंड की क्रॉप्स को उगाना, वो कहलाता है मिक्स क्रॉपिंग। अब बात आती है मिक्स फार्मिंग की, तो ये क्या है कि एक ही फील्ड में डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज को करना। डिफरेंट एक्टिविटीज का मतलब क्या है? किसान से रिलेटेड डिफरेंट एक्टिविटीज। जैसे आपका ये फील्ड था वही 100 मीटर स्क्वायर का, उसमें आपने इतने एरिया में क्या कर रखा है, इतने एरिया में आपने मत्स्य पालन कर दिया, फिशरीज। तो यहां पर आपने मछली पालन कर रहे हो, ठीक है। आधे में आपने क्या कर दिया, इस वाले में आपने एग्रीकल्चर खेती कर दी, और बाकी में आप क्या कर रहे हो, मुर्गी पालन कर दिया, ठीक है। तो ये क्या है, आपने डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटी कर दी है कि फील्ड के अंदर आप उसमें आप मछली पालन भी कर रहे हो, मुर्गी पालन भी कर रहे हो, खेती भी कर रहे हो, तो इसको हम क्या बोलेंगे, मिक्स फार्मिंग। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होंगे, यहां से क्वेश्चन क्या बनता है, यहां से क्वेश्चन बनेगा एग्जाम्पल ऑफ मिक्स फार्मिंग, बस ऐसे एग्जाम्पल ऑफ मिक्स क्रॉपिंग इस तरह से पूछेगा आपको। तो ये दोनों चीजें मिलेंगी ऑप्शन में आपको, कि बाजरा मक्का और इन दोनों तीनों को एक ही खेत में उगाना, इस तरह से एग्जाम्पल मिलेंगे आपको। तो ये कुछ डेफिनेशन थी, और भी आगे हैं डेफिनेशन, और भी कुछ डेफिनेशन है, तो ठीक है, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे हम फील्ड कैपेसिटी के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट लेसन।